हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो प्रश्नों की श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं पॉलिटी के 8th क्लास पर। आज हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों ही एक वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकल कर आए हैं तो हम एक ही वीडियो में से कवर कर लेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको देखिएगा, क्योंकि अचानक से ही किसी दिन मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी कि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा क्लास 6 का, चाहे वो पॉलिटी हो सकता है या हिस्ट्री हो सकता है। तो इससे आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी होगी। यदि वास्तव में आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो तो एक तो रेगुलर रहिए, और रेगुलर होने के साथ साथ वीडियोज जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए, जब भी आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज ये आपके ऊपर है, अगर आप नहीं देखना चाहें तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत शहरों में रहता है? भारत की कुल जनसंख्या का जनगणना 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत शहरों में रहता है? इसका आंसर है 31.16%। ठीक है, याद रखना है 31.16%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है? राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है और राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? ये सभी जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए, इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चैप्टर में ये दोबारा से दिया हुआ था तो मैंने भी यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब आपकी रिवीजन हो जाएगी इस क्वेश्चन की, कि भारत में पुरुष साक्षरता है 82.14%, महिला साक्षरता है 65.46%। बिल्कुल याद रखनी है आपको, पॉइंट के बाद के जो नंबर है वो भी याद रखने हैं। आपको पता है कि जो आपका सेकेंड लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था, वहां आपको ये पूछा गया था कि भारत में महिला साक्षरता कितनी है। वहां पर पॉइंट में ही अंतर था, बाकी सभी ऑप्शन में 65 दिया हुआ था। तो याद रखना है 82.14% पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता 65.46% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता जो है वह 79.02% है और महिला साक्षरता 52.10% है। इसको बिल्कुल आप रट्टा लगा लें इसको, तो इन चारों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की कुल कितनी जनसंख्या का भाग कार्यशील जनसंख्या का है? कार्यशील जनसंख्या जो कि कार्य करते हैं, जिसमें 15 और 50 वर्ष तक की महिला और पुरुष शामिल होते हैं। तो भारत की कुल जनसंख्या का 60.29% कार्यशील जनसंख्या का है। क्वेश्चन 4, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943 महिलाएं 1,000 पुरुषों की आबादी पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कई बच्चे बार बार ऐसे पूछते हैं कि क्या ये आरबीएससी की बुक जो है वो हमारे एग्जाम के लिए सही है। तो अभी तक तो आप यही चीज पूछ रहे हैं जो आपको नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि देखिए, आप एग्जाम देते हैं, आपने प्रीवियस पेपर भी देखे होंगे, तो वहां आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले होंगे। तो अब आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या नहीं, और ये आपके लिए कितनी फायदेमंद है। ठीक है, तो ये अब आपके सोचने का विषय है। क्वेश्चन 5 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ राजस्थान में पूछा है 928 महिलाएं, जहां भारत में 943 महिलाएं हैं 1,000 पुरुषों की आबादी पर, तो राजस्थान में 928 महिलाएं हैं। याद रखना है कि राजस्थान में कम है भारत की तुलना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नातेदारी क्या है? तो आपका जो चैप्टर है वह परिवार और समाज से रिलेटेड है, जो कि आपके रीट के सिलेबस में यूनिट 1 में भी आपका दिया हुआ है, समाज, विवाह और रिश्तेदारी। ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है इस टाइप का, तो वही चैप्टर है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको फायदा होगा, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन निकल कर आए हैं जो कि मैंने यहाँ पर पूछे हैं। नातेदारी क्या है? तो जो रक्त एवं विवाह मूलक संबंधों की व्यवस्था होती है, इसी रिश्तेदारी को ही नातेदारी कहते हैं, जहां पर रक्त द्वारा संबंध होंगे और विवाह द्वारा संबंध स्थापित होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, पूर्वाग्रह क्या है? पूर्वाग्रह, देखिए,
विषय संबंधी तथ्यों को बिना जांचे परखे केवल सुनी सुनाई बातों पर निर्भर प्रतिक्रिया ही पूर्वाग्रह है। जिन बातों पर हम बिना सोचे ही उन पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही वो चीजें जो है वो अपने बुजुर्गों से भी सुनी है, हम अपने समाज में भी वो चीज देखते आ रहे हैं, तो आगे जो भी सिचुएशन होती है उनको भी हम वैसे ही देखते हैं। जैसे कि हम पहले ही हमें पता है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कमजोर होती हैं। वास्तव में ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन जो पूर्वाग्रह हमने ये धारणा पहले से ही बनाई हुई है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से शारीरिक तौर पर कमजोर होती है, मानसिक तौर पर कमजोर होती है, तो यही क्या है, पूर्वाग्रह, यानी कि केवल सुनी सुनाई बातों पर ही प्रतिक्रिया होना। क्वेश्चन 8 है, रूढ़िबद्ध धारणा से क्या तात्पर्य है। देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जो कि आपकी जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण संबंधी जो भी विधियां हैं वहां पर पेडागोजी के अंदर ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं। रूढ़िबद्ध धारणा से तात्पर्य है व्यक्तियों के पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है। ऐसे समाज में लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं जो अपरिवर्तनीय है व कठोर है। तो देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा यानी ये भी पहले से ही चली आ रही है, वही पुरानी धारणा जो कि समाज में लोग जो हैं वो दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ऐसे पूर्वाग्रह बना लेते हैं जो कि एक तो अपरिवर्तनीय और कठोर है। इसका एग्जाम्पल देखिए विधवा से लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए जब वो एक लड़की जो है वो उसकी शादी हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, तो कुछ लोगों की समाज में यही धारणा होती है कि अब यह समाज से, यह परिवार के लोगों से इसे थोड़ा सा दूर ही रखना चाहिए, यह अब समाज का हिस्सा भी नहीं है। तो ये चीजें पहले से ही चली आ रही हैं। ये है रूढ़िबद्ध धारणा जो कि बहुत कठोर भी है और अपरिवर्तनीय है, लेकिन फिर भी इस पर प्रयास किए गए हैं। क्वेश्चन 9 है, अवसरों की असमानता के पीछे मुख्य कारण क्या है। अवसरों की असमानता यानी कि असमानता होना, किसमें, अवसरों में, तो इसके पीछे कारण होते हैं वही पूर्वाग्रह। इनको देखकर जो भी धारणाएं पहले से चली आ रही हैं तो हम उनको देखकर ही अवसर नहीं दे पाते हैं, इसीलिए असमानता होती है, रूढ़िबद्धता है, भेदभाव है, ये सभी क्या है, ये असमानता के कारण है। तो आज हमने दो जो चैप्टर हैं वो एक साथ कर लिए हैं। बहुत ही इजी टॉपिक था, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आपके SST के अंदर फर्स्ट यूनिट में ही ये दोनों चैप्टर जो है वो दिए हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।